आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। पैनिक सेलिंग की पकड़ दलाल स्ट्रीट पर मजबूत होती नजर आई, जहां पे निफ्टी में काफी गिरावट नजर आई। नेगेटिव बात यह भी रही कि निफ्टी के ड्रामेटिक सेल ऑफ की वजह से निफ्टी साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क के करीब आ पहुंच गया। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,015 4.45% नीचे, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,688 4.54% नीचे। डिटेल्स में जाने से पहले आइए ये देखते हैं कि पिछले हफ्ते के इंडाइसिस के परफॉर्मेंस कैसे रहे। निफ्टी 4.45% नीचे रहा, जहां पे काफी डर का माहौल देखने को मिला। पेसिमिज्म हर जगह दलाल स्ट्रीट पर देखने को मिल रहा था। बैंक निफ्टी भी 4.41% नीचे गिरा, जहां पे इवनिंग स्टार पैटर्न वीकली चार्ट्स में नजर आता हुआ। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 5.11% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.03% नीचे गिरा वीकली बेसिस पर। ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 3.53% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 2.51% नीचे गिरा। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.48% ऊपर रहा, जबकि बेयरिश सेक्टर्स में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 7.69% नीचे, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 6.10% नीचे, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 5.53% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 5.07% नीचे, निफ्टी पीएससी इंडेक्स 3.96% नीचे, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 3.74% नीचे, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 2.07% नीचे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.80% नीचे, निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.95% नीचे। अब पिछले हफ्ते के कैटलिस्ट पर ध्यान देते हैं। पिछला हफ्ता काफी डरावना रहा, जहां पे मिडिल ईस्ट के टेंशन्स की वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में गिरावट नजर आई। लेबनान में मृतकों की गिनती बढ़ती जा रही है इसराइल के ऑनस्लॉट की वजह से। इन टेंशन्स की वजह से WTI कच्चे तेल के दाम $74 प्रति बैरल पर ऊपर व्यापार करते नजर आए, जो कि पिछले चार हफ्तों का सर्वोच्च स्तर है। चिंताएं और बढ़ती नजर आई जब US प्रेसिडेंट बाइडेन डिस्कस कर रहे थे कि क्या US इसराइल को सपोर्ट कर सकता है ईरान के खिलाफ उनके ऑयल असेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो ईरान के कुछ दिन पहले किए गए मिसाइल अटैक्स का मुंहतोड़ जवाब साबित होगा। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में ITD सीमेंटेशन पिछले हफ्ते 19% ऊपर रहा, जब कंपनी ने नए ऑर्डर सिक्योर किए मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में। कॉन्ट्रैक्ट की अंदाजा वैल्यू ₹1,937 करोड़ की हो सकती है, जिसमें टैक्स और ड्यूटीज इंक्लूडेड है। शक्ति पंप्स भी 11.8% पिछले हफ्ते ऊपर रहा ₹4,547 प्रति शेयर पर, क्योंकि कंपनी ने बोनस इश्यू की घोषणा की है 5:1 रेशियो में। औरबिंदो फार्मा के शेयर प्राइस में 3% की गिरावट नजर आई, क्योंकि USFDA ने कंपनी के एक सब्सिडरी एपिटोरिया फार्मा का इंस्पेक्शन किया, जो कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API के लिए, जो तेलंगाना में स्थित है। जोमैटो के शेयर प्राइस में 1.2% की गिरावट नजर आई, क्योंकि स्विगी के IPO अनाउंसमेंट की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते के निफ्टी के गेनर्स इस प्रकार रहे। JSW स्टील 3.22% ऊपर, इंफोसिस 0.60% ऊपर, टेक महिंद्रा 0.45% ऊपर, टाटा स्टील 0.12% ऊपर, हिंडालको 0.10% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज 9.15% नीचे, श्रीराम फाइनेंस 7.86% नीचे, एक्सिस बैंक 7.44% नीचे, BPCL 7.36% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 7.33% नीचे। अब जाने से पहले कुछ अच्छी खबरें भी है। सितंबर महीने की बात करें तो USA में ज्यादा जॉब्स ऐड हुए उम्मीद से। शुक्रवार के US जॉब्स रिपोर्ट के अनुसार US इकोनॉमी में 2,54,000 जॉब्स ऐड हुए और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% पर नीचे गिरा, जो कि उम्मीद से काफी अच्छा रहा। अब इस वजह से निवेशक ये मानकर चल रहे हैं कि फेडरल रिजर्व से एक और जंबो रेट कट देखने को मिल सकता है। बॉटम लाइन, अब उम्मीद ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स कट किए हैं। सबका ध्यान अब अगले हफ्ते आने वाले RBI MPC आउटकम पर रहेगा 9 अक्टूबर को। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस कंटेंट इज प्योरली फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस ओनली एंड इन नो वे टू बी कंसिडर्ड एज एन एडवाइस और रिकमेंडेशन।